नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 26 मार्च 2020 को रूसी राष्ट्रपति यह बयान देते हुए फूले नहीं समा रहे थे कि उन्होंने इस महामारी पर नियंत्रण कर लिया है, और यह तभी संभव हो पाया क्योंकि रूस ने शुरुआत में ही कठोर कदम उठा लिए थे। ऐसे ही बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली पीएम जोसेप कोंटे, ब्राजील राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने भी एक वक्त दिए थे। आज रूस में कोरोना वायरस जिस तरह तबाही मचा रहा है, उससे व्लादिमीर पुतिन के सारे दावे वादे हवाई हो गए। हालत यह है कि 26 मार्च को रूस में संक्रमित मरीजों की संख्या 253 थी, मगर 28 अप्रैल आते आते यह तादाद 87,147 पहुंच गई है, जबकि 794 रशियन अपनी जान गंवा चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन के लिए अब यह महामारी बेहद भारी पड़ने जा रही है। आलम यह है कि पिछले 15 दिनों में पुतिन 3 बार भारतीय पीएम मोदी को फोन कर चुके हैं। 2 दिन पूर्व ही पीएम मोदी से वार्ता के दौरान पुतिन ने भारत से मदद मांगी है। उन्होंने रूसी चिकित्सा कर्मियों के लिए भारतीय डॉक्टर से प्रशिक्षण का अनुरोध किया है। रूस चाहता है कि कोरोना वायरस को नियंत्रित करने वाले भारतीय डॉक्टर्स रशियन डॉक्टर के साथ अपने अनुभव साझा करें। रूस भारत का सदाबहार मित्र है, इसलिए पीएम मोदी ने हर संभव सहायता की बात दोहराई है। चौंकाने वाली बात यह है कि रूस की सीमा से सटे चीनी शहर हार्बिन पर दोनों देशों के बीच विवाद गहरा गया है। चीन ने आरोप लगाया है कि उसके यहां फिर से संक्रमण फैलने के पीछे रूस से वापस लौटे कोरोना वायरस संक्रमित मरीज है। चीन का कहना है कि रूस ने 30 जनवरी को अपनी 2600 मील की सीमा को सील कर दिया था, मगर बाद में सीमा को खोलकर चीन को फिर से मुश्किल में डाल दिया है। खास बात यह है कि अब पुतिन भी अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं। वे इशारों में कोरोना वायरस पर चीन से नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। दरअसल रूस में जिस प्रकार संक्रमण फैला और मौतों के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई, उससे रशियन में चीन के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 146 मिलियन की आबादी वाले रूस में ऐसे हालात बन रहे हैं जहां चीनियों के प्रति काफी नाराजगी बढ़ चुकी है। दरअसल चीन के उत्तर पूर्व हेलियांगजांग प्रांत की सीमा रूस से लगती है। जब रूस से चीनी नागरिक सीमा पार करके बड़ी संख्या में वापस आने लगे तो 14 अप्रैल को चीन ने सीमा बंद करने की घोषणा कर दी, जिससे व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। उन्होंने जिनपिंग को साफ कर दिया कि चीन को हर हाल में अपने नागरिक वापस लेने पड़ेंगे। पर मामला इससे भी कहीं आगे है। रूस में बढ़ते मौतों के आंकड़े पुतिन को विचलित कर रहे हैं। ड्रैगन से असामान्य दोस्ती की कीमत रूस को अपनी जनता की जान देकर चुकानी पड़ रही है। जब से चीन और रूस की नजदीकियां बढ़ी है, बड़ी संख्या में चीनी नागरिक रूस में जाकर बस गए हैं। जिस वक्त चीन कोरोना वायरस से जूझ रहा था, उस दौरान फरवरी के अंत में ही रूस ने कठोर नियम लागू कर दिए थे। पूरे देश को लॉकडाउन करने के साथ ही हवाई अड्डों सहित ईरान, चीन और यूरोप के कोरोना वायरस प्रभावित देशों के नागरिकों पर बैन लगा दिया था, मगर रूस में मौजूद चीनी नागरिक रूस के लिए बड़ी मुसीबत बन गए। रूस उस वक्त चीनी नागरिकों को देश से बाहर नहीं कर पाया, जिसका खामियाजा उसे आज चुकाना पड़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन देशों में चीनी नागरिक जितनी तादाद में थे, वहीं पर कोरोना वायरस बड़ा कहर बरपा रहा है। ईरान, इटली, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका, अफ्रीका और अब रूस भी ड्रैगन की जद में आ चुका है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि रूस में हालात कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। रूस जो आंकड़े बता रहा है, स्थिति उससे ज्यादा कहीं भयावह है। अगर यहां कोरोना वायरस को नियंत्रित नहीं किया गया तो यहां भारी तबाही मच सकती है। रूस में चीनियों के खिलाफ बढ़ती नफरत इस मामले को नया ही मोड़ दे रही है। स्थानीय स्तर पर चीनियों को रूस से बाहर किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बड़ी बात यह है कि भारतीय पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन देकर पुतिन का मनोबल बढ़ाया है। रूस में कई जगह पर सेना मोर्चा संभाल चुकी है, पर दिक्कत यह है कि 2000 से ज्यादा जवान भी जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे सेना में भी संक्रमण फैलने का खतरा पैदा हो गया है। पर बावजूद इसके अभी भी चीन चाहता है कि वह किसी भी कीमत पर रूस के साथ अपने रिश्तों को सामान्य बनाकर रखे, फिर चाहे उसे अपने नागरिकों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। अब चीन के प्रयास कितने सफल होंगे, यह रूस में कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।